शहडोल में रिहायशी इलाकों में 3 हाथियों का दल पहुंच गया, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। 20 दिनों से 9 हाथियों के दल ने उत्पात मचा के रखा हुआ है। हाथियों के कुचलने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। पुलिस और वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। तो रिहायशी इलाकों में 3 हाथियों का दल पहुंच गया और जब ये दल वहां पर पहुंचा तो किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा दिया। बता दें कि 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिनों से 9 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक 5 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है इन हाथियों की वजह से। हम लोग बगल में खेत भी है हमारा, वहाँ हम लोग जाके देखे तो निशान मिला पैरों का, पंप को तोड़ा गया हाथियों के द्वारा, वो भी देखा गया, और लेट्रिन किए हैं वो भी देखा गया, ककड़ी खीरा टुमड़ा जो भी लगाए गए हैं उनको भी थोड़ी बहुत इधर उधर बिखराए हैं वो भी मिला, टमाटर वगैरह है, मड़ैया बनाया गया है रहने के लिए, तो उसको भी जर में वहाँ तक गए, वहाँ से फिर पानी का थोड़ी से स्थान बनाया गया है घर के लिए, उस स्थान तक भी पैर का निशान देखा गया। अजय अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है, क्या कोई अभी इलाका स्पष्ट हो पाया जहां पर हाथियों का मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली है वन विभाग को? शहडोल में इन दिनों 2 हाथियों का अलग अलग दल जो है पिछले 20 दिनों से कहा जाए तो विचरण कर रहा है। एक जो दल है 9 हाथियों का दल है वो जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र में लगभग 20 दिनों से विचरण कर रहा है और अभी वहीं पे अपना डेरा जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र में डेरा जमाए हुआ है। वो जो जयसिंह नगर का जो पहला हाथियों का दल है वो अब तक 5 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार चुका है कि वहीं एक और दल जो छत्तीसगढ़ से अनूपपुर होते हुए शहडोल के बुढ़ार वन परिक्षेत्र में पहुंचा है और जो अब जो है वो करकटी के आसपास घूम रहा था। जो अब ये हाथियों का दूसरा दल है, 3 की संख्या में हाथी है, ये रिहायशी इलाके धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 में पहुंचा है। और लेकिन अजय, जो कि आपने बताया कि 2 हाथियों का दल ऐसा है जो कि विचरण कर रहा है, उन हाथियों के दल में कितने हाथी शामिल है, और दूसरी बात ये भी कि वन विभाग की ओर से कितने कदम और कैसे कैसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों को इससे बचाया जा सके, उनकी फसलों को बचाया जा सके? जो दूसरे हाथी का दल है उसमें 3 की संख्या में हाथी हैं जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे विचरण कर रहे हैं, रिहायशी इलाके में आ गए हैं, जिससे ग्रामीण जो हैं दहशत में हैं और जगह कर रहे हैं, और ग्रामीण जो हैं उनको स्कूल और पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया है। वन विभाग की बात करें तो वन विभाग जो है इस ओर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा है, हालांकि उन हाथियों का मूवमेंट में नजर बनाए हुए है, लेकिन कोई सार्थक प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं वन विभाग की तरफ से। वन विभाग को इन हाथियों को उल्टे पांव वापस लौटाना चाहिए, जो एक्सपर्ट हमको बुलवा के इन हाथियों को वापस लौटाना चाहिए, हाका लगाना चाहिए, लेकिन इस तरह के कोई कठोर कदम वन विभाग की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा, जिसका नतीजा जो है लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं और लोगों की जान माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका।